चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस लाल बटन को दबाएं और साथ में दबाएं इस बेल के बटन को भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम, आप देख रहे हैं वीके मैथ यूट्यूब चैनल। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों, आरबीएससी क्लास 10th मैथ्स के लिए चैप्टर 10 का पार्ट 3 है, जिसमें हम इसके क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों, इसके दो पार्ट में हमने इसका बेसिक समझा है, कुछ क्वेश्चन भी हमने सोल्व किए हैं और इसके प्रमेय के बारे में भी हमने समझा है। तो अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं, और यहाँ पर दोस्तों 9 चैप्टर भी हमने कम्प्लीट कर दिए हैं, तो सभी वीडियो की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर क्लिक करके आप सभी वीडियो स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम क्वेश्चन लेते हैं और उन्हें हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। दी गई आकृति में उभयनिष्ठ आधार बीसी पर रेखा बीसी के विपरीत और दो समद्विबाहु बाहु त्रिभुज पीबीसी और त्रिभुज क्यूबीसी स्थित है। सिद्ध कीजिए कि पी और क्यू को मिलाने वाली रेखा बीसी को समकोण पर समद्विभाजित करती है। अब यहाँ पर देखिए, हमें एक चित्र दिया गया है और यहाँ पर हमें क्या क्या दिया गया है वो हम लिखेंगे। इसके बाद में दोस्तों हम लिखेंगे हमें सिद्ध क्या करना है। तो यहाँ पर देखिए सिद्ध क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि पी और क्यू को मिलाने वाली रेखा। तो यहाँ पर देखिए पी यहाँ पर है, क्यू यहाँ पर है, इसको मिलाने वाली जो रेखा है सी को समकोण पर समद्विभाजित करती है। यानी कि बीसी पर देखिए यहाँ पर जहाँ पर प्रतिच्छेद करती है तो यहाँ पर समकोण बनने चाहिए। तो ये जो चारों कोण है कौन से यहाँ पर देखिए पी ओ सी, यहाँ पर पी ओ बी, यहाँ पर दोस्तों बी ओ क्यू और सी ओ क्यू, ये चारों कोण क्या है समकोण है, तभी क्या होगा यहाँ पर समकोण पर समद्विभाजित करेगी। तो यहाँ पर जो हमें दिया गया है वो हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में जो हमें दिया गया है वो हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया गया है त्रिभुज पी बी सी व त्रिभुज क्यू बी सी दो क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ हम लिखेंगे त्रिभुज पी बी सी व त्रिभुज क्यू बी सी दो समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ पर दोस्तों बीसी आधार के दोनों ओर स्थित है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर ये दोनों समद्विबाहु त्रिभुज है तो यहाँ हमें पता है कि समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती हैं। तो जो यहाँ पर देखिए पीबीसी त्रिभुज है इसकी ये भुजा इसके बराबर होगी, और यहाँ पर जो ये त्रिभुज है इसकी देखिए बीक्यू भुजा सीक्यू के बराबर होगी। ठीक है, तो ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होगी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि पी बी बराबर किसके हो जाएगी, पी सी के। ठीक है, पर देखिए दूसरा जो त्रिभुज है उसमें क्या हो जाएगा, क्यू बी बराबर किसके हो जाएगी, क्यू सी के। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमें दिया गया था वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे सिद्ध करना है। तो यहाँ पर देखिए सिद्ध हमें क्या करना है, सिद्ध करने में यहाँ पर दोस्तों हमें जो ये चारों कोण है जो प्रतिच्छेद करने पर यहाँ पर बनते हैं, ये चारों कोण समकोण सिद्ध करने हैं, तभी क्या होगा यहाँ पर जैसा कि हमें दिया गया है पी और क्यू को मिलाने वाली रेखा बीसी को समकोण पर समद्विभाजित करती है। तो यहाँ पर समकोण बनेंगे तो समकोण पर समद्विभाजित करेगी। तो यहाँ पर देखिए हमें कौन से कोण समकोण सिद्ध करने हैं। यहाँ पर कोण पी ओ बी है, जो यहाँ पर देखिए ये है पी ओ बी और पी ओ सी, तो बराबर हमें करना है कोण पी ओ सी, जो बराबर होने चाहिए 90 डिग्री के। और यहाँ पर देखिए दूसरे त्रिभुज में कौन से कोण है, क्यू ओ बी, यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा कोण क्यू ओ बी बराबर होना चाहिए कोण क्यू ओ सी के। ठीक है, तो ये दोनों कोण भी कितने होने चाहिए 90 डिग्री के। अब यहाँ पर देखिए सिद्ध करना हमने लिख दिया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे उत्पत्ति और इसमें हम जो सिद्ध करेंगे वो लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए सिद्ध हम किस प्रकार से करेंगे कि यहाँ पर ये चारों कोण है जो समकोण है, तो पहले हम एक त्रिभुज से देखते हैं पीबीसी से, और इससे जब हम सिद्ध कर देते हैं तो वहां पर दोस्तों इसी प्रकार से ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज, यहाँ पर देखिये पीबीसी जो त्रिभुज है इसमें, तो पीबीसी यहाँ पर दोस्तों देखिए दो त्रिभुज बन रहे हैं, दो कौन से त्रिभुज है, यहाँ पर दो त्रिभुज है दोस्तों, त्रिभुज पी बी ओ और त्रिभुज पी सी ओ। तो यहाँ पर इन दोनों त्रिभुजों को अगर हम सर्वांग सम सिद्ध कर देते हैं तो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो जाएंगे। तो ये जो दोनों कोण है ये दोनों कोण बराबर होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर दोस्तों त्रिभुज पी बी सी में दो त्रिभुज है कौन से है, पी ओ बी, यहाँ हम कह सकते हैं पी बी ओ और पी सी ओ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पी बी ओ व त्रिभुज पी सी ओ। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों त्रिभुजों में क्या समानताएं हैं, कौन सी भुजा कौन से कोण समान है। तो यहाँ पर देखिए पीबी बराबर पीसी है, तो पीबी ये है और पीसी ये है, दोनों बराबर है, ये हमें दिया गया है क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती है, तो पीबी बराबर पीसी, और यहाँ कारण में हम लिख देंगे दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए हमें या तो दो कोण एक भुजा चाहिए या दो भुजा एक कोण चाहिए। तो यहाँ पर देखिए एक कोण को भी हम बराबर रख सकते हैं कि यहाँ पर पी बी ओ जो त्रिभुज है इसमें जो कोण है बी, ये किसके बराबर हो जाएगा, कोण सी के। इसका दोस्तों रीजन कारण हम क्या लिखेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लिखते हैं कोण पी बी ओ
बराबर हो जाएगा कोण पी सी ओ के, और यहाँ पर हम इसका कारण लिख देंगे समान भुजाओं के समूह कोण। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों हमने एक भुजा एक कोण ज्ञात कर लिया है। अब यहाँ पर एक भुजा और है जो दोनों में उभयनिष्ठ है, पीओ है, जो यहाँ पर दोस्तों पीओ के बराबर होगा, तो पीओ बराबर पीओ और इसका कारण हो जाएगा उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों कौन सा सर्वांग समता का नियम लगेगा। यहाँ पर देखिए हमारे पास भुजा है, कोण है, भुजा है, तो भुजा कोण भुजा यानी कि एस ए एस का यहाँ पर नियम लगेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे एस ए एस यानी कि भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से। पर दोस्तों जो दोनों त्रिभुज है कौन से देखिए, त्रिभुज पी बी ओ जो हमने लिए हैं ये सर्वांग सम किसके हो जाएगा, त्रिभुज पी सी ओ के। अब यहाँ पर देखिए हमें पता है कि सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो दोनों त्रिभुज हैं इनके संगत कोण कौन से हैं, एक यहाँ पर दोस्तों पहला कोण है पी ओ बी और इसके संगत कोण है पी ओ सी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण पी ओ बी बराबर होगा कोण पी ओ सी के। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों ये दोनों कोण आपस में बराबर है और यहाँ पर देखिए बीसी एक रेखा है और इस पर ये दोनों कोण बन रहे हैं, तो यहाँ पर बनेगा रेखिक युग्म। और रेखिक युग्म में दोस्तों क्या होता है कि एक ही रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण पीओबी प्लस कोण पीओसी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। अब हमें पता है कि पीओबी बराबर है पीओसी के, तो यहाँ पर दोस्तों पीओबी हम रखेंगे प्लस कोण पीओसी की जगह हम क्या रख सकते हैं, पीओबी, क्योंकि ये इसके बराबर है। तो यहाँ हम रखेंगे कोण पीओबी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कोण पीओबी प्लस कोण पीओबी है तो ये हो जाएगा दो कोण पीओबी और ये हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। अब यहाँ पर दोस्तों दो इसके गुणा में है तो ये जाएगा 180 के बटे में, तो 180 में दो का भाग लगेगा कितना आएगा 90, तो यहाँ पर कोण पीओबी कितना हो जाएगा 90 डिग्री का। ठीक है, तो जब दोस्तों यहाँ पर कोण पीओबी 90 डिग्री का है तो पीओसी इसके बराबर है, तो ये भी कितने का होगा 90 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण पीओबी बराबर है कोण पीओसी और ये बराबर है 90 डिग्री के। तो ये दोस्तों हमें सिद्ध करना था कोण पीओबी पीओसी बराबर है 90 डिग्री के, तो ये हमने सिद्ध कर दिया है। और इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए दोस्तों ये त्रिभुज हम लेंगे और इसी प्रक्रिया से हम आगे करेंगे, तो कोण क्यूओबी है, यहाँ पर देखिए क्यूओबी बराबर हो जाएगा क्यूओसी के। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कोण क्यूओबी बराबर होगा कोण क्यूओसी और ये बराबर हो जाएगा 90 डिग्री के। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर बनने वाले सभी कोण क्या है, समकोण है। तो यहाँ पर दोस्तों कोणों को 90 डिग्री के बराबर सिद्ध करने के बाद में हम यहाँ पर लिखेंगे कि P और Q को मिलाने वाली रेखा जो है दोस्तों PQ रेखा BC को समकोण पर समद्विभाजित करती है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जब हमें सिद्ध करना होगा तो इस प्रकार से हम सिद्ध करेंगे। यहाँ पर दोस्तों एक भी स्टेप आपको छोड़ना नहीं है, यहाँ पर दिया गया है सिद्ध करना है, उत्पत्ति सब हमें लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका अगला क्वेश्चन हम लेते हैं और उसे हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है, दी गई आकृति में कोण P का अर्धक PS है। यहाँ पर दोस्तों कोण P ये है और यहाँ पर जो PS है इसका अर्धक है यानी कि आधे आधे भागों में से विभाजित करता है। यहाँ पर आगे हमें दिया गया भुजा QR को S बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, एस एन लंब पी क्यू व एस एम लंब पी आर खींचे गए हैं, सिद्ध कीजिए कि एस एन बराबर है एस एम। तो यहाँ पर दोस्तों एस एन बराबर है एस एम के, ये हमें सिद्ध करना है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं जो हमें दिया गया है, तो यहाँ हम लिखेंगे दिया गया है, देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें दिया गया है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जो यहाँ पर पी एस है वो कोण पी का अर्धक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में पी एस पी का अर्धक है, और यहाँ पर देखिए हमें दिया गया है कि एस एन है वो लम्ब है पी क्यू पर, और यहाँ पर जो एस एम है वो लम्ब है पी आर पर। तो यहाँ पर दोस्तों जब लम्ब होता है तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है, तो जो एन है वो 90 डिग्री का कोण है और यहाँ पर जो एम है इन दोनों त्रिभुजों में वो एम भी क्या है 90 डिग्री का कोण है। अब यहाँ पर देखिए हमें सिद्ध क्या करना है वो हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना में दिया गया है कि सिद्ध कीजिए एस एन जो है वो बराबर है एस एम के। तो इसे हम किस प्रकार से सिद्ध करेंगे, यहाँ पर दोस्तों सिद्ध करना है वो हम यहाँ पर करते हैं उत्पत्ति में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे उत्पत्ति और यहाँ पर देखिए किस प्रकार से हम सिद्ध करेंगे। यहाँ पर दोस्तों बात हो रही है एस एन और एस एम की, इसे बराबर करने की। तो यहाँ पर देखिए ये कौन से त्रिभुज में है, ये है दोस्तों पी एस एन और पी एस एम त्रिभुज में। ठीक है, तो इन दोनों त्रिभुजों को अगर हम सर्वांग सम सिद्ध कर दें तो यहाँ पर सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं आपस में बराबर हो जाएगी, इससे दोस्तों एस एन बराबर हो जाएगा एस एम के। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लिखते हैं त्रिभुज, जो त्रिभुज हमें लेने हैं
यहाँ पर देखिए पी एस एन त्रिभुज हमें चाहिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज पी एस एन व त्रिभुज, यहाँ पर दूसरा कौन सा है पी एस एम, तो त्रिभुज पी एस एम में। यहाँ पर देखिए किस प्रकार से हम सिद्ध करेंगे, यहाँ पर देखिए दोनों त्रिभुजों को हम देखते हैं पी एस एन व पी एस एम को, तो देखिए पी एस पी एस एक उभयनिष्ठ भुजा है, तो इसे हम सबसे पहले लिख लेते हैं पी एस बराबर पी एस, जो हो जाएगी यहाँ पर उभयनिष्ठ भुजा। तो यहाँ पर हमें कारण भी लिखना है, तो यहाँ हम लिख देंगे उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों एक कोण यहाँ पर बराबर हो सकता है, यहाँ पर देखिए हमने लिखा था एस एन लंब है पी क्यू पर, तो एस एन लंब हो रहा है पी क्यू पर, तो ये जो कोण है कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण पी एन एस, ये बराबर देखिए दूसरे त्रिभुज में किसके होगा, यहाँ पर लंब है एस एम किस पर है पी, तो यहाँ पर जो पी एम एस कोण है ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री का, तो कोण पी एम एस और कोण पी एन एस बराबर होंगे, क्योंकि दोनों यहाँ पर क्या है 90 डिग्री के हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, ठीक है। और यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए एस एन लंब है पी क्यू और यहाँ पर एस एम जो लंब है वो है पी आर। अब यहाँ पर देखिए एक कोण ये हो गया, अब दूसरा कोण हम कौन सा रख सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन में हमें दिया गया है देखिए कि यहाँ पर जो पी एस है वो कोण पी का अर्धक है, तो यहाँ पर देखिए इस कोण पी का अर्धक होगा पी एस, तो यहाँ पर ये कोण और ये कोण बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर अर्धक कहते हैं समधि भाजन को, तो यहाँ पर देखिए एन पी एस कोण है, या हम कहें एस पी एन, एन पी एस कोण किसके बराबर हो जाएगा एम पी एस के, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण एन पी एस बराबर है कोण एम पी एस के, और ये दोस्तों हमें दिया गया है क्योंकि ये अर्धक है इसका, तो यहाँ हम लिखेंगे दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए दो कोण हमारे पास है एक भुजा है, तो यहाँ पर कौन सा नियम लगेगा सर्वांग समता का, ए एस ए, यानी कि कोण भुजा कोण सर्वांग समता से, दोनों जो त्रिभुज है दोस्तों यहाँ पर पी एस एन और पी एस एम दोनों क्या हो जाएंगे सर्वांग सम, तो यहाँ पर हम लिख देंगे त्रिभुज पी एस एन सर्वांग सम है त्रिभुज पी एस एम के। अब यहाँ पर हमें पता है कि सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं आपस में बराबर होती है, तो यहाँ पर देखिए जो त्रिभुज है हमारे पास पी एस एन और एक त्रिभुज है पी एस एम, इसकी संगत भुजाएं कौन सी है, देखिए यहाँ पर एस एन है जो इस त्रिभुज की भुजा है, तो एस एन बराबर हो जाएगी एस एम के। और यही दोस्तों हमें सिद्ध करना था, तो ये सिद्ध हो चुका है। इस प्रकार से दोस्तों हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जब भी भुजा या किसी कोण को हमें बराबर सिद्ध करना होता है, तो वहां पर जो दोनों त्रिभुज है उन्हें हम सर्वांग सम सिद्ध करेंगे, और सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होती है, तो इस प्रकार से हम उनके कोणों और भुजाओं को बराबर सिद्ध करेंगे। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हमने इसके दो क्वेश्चन सोल्व किए हैं, आगे आने वाले वीडियो में दोस्तों हम इसके प्रमेय सोल्व करेंगे जो 10.2 में है। आज के इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं मिलता हूं दोस्तों आपको इसी की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।